आतंकवादियों को मारने के लिए सीमा पार करने संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कथित बयानों पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन प्रशासन ने कहा, हम इस मामले के बीच में नहीं पड़ेंगे, भारत और पाकिस्तान को बातचीत से मुद्दे हल करने चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से आतंकवादियों के सफाए के लिए दूसरे देशों में भारत के कथित अभियानों के बारे में पूछा गया था। उनसे पूछा गया, क्या मोदी और राजनाथ की टिप्पणियों को कनाडा में निज्जर की कथित हत्या, न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की साजिश और पाकिस्तान में हत्याओं के मामले में इकबालिया बयान के रूप में देखा जा सकता है? इस पर मिलर ने कहा, अमेरिका इस मसले में नहीं पड़ेगा, लेकिन हम भारत और पाकिस्तान दोनों से कहना चाहते हैं कि वे तनाव से बचें और बातचीत के माध्यम से तमाम मुद्दों के हल निकालें। पन्नू के मामले को लेकर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने पर विचार क्यों नहीं किया? मिलर ने कहा, मैं प्रतिबंधों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप प्रतिबंधों के बारे में मुझसे पूछते हैं तो मेरा जवाब ये है कि हम इस पर सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करते। बता दें कि अमेरिका में मौजूद गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कई बार भारत को धमकी दी है। अमेरिका भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने के लिए मुकदमा चला रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि आतंकवादी भारत में शांति भंग करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान भाग जाते हैं तो भारत वहीं घुसकर उन्हें मारेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए कथित तौर पर ऐसी कार्रवाई की बात कई बार दोहराई है।